मैं मनोज कुमार सिंह आपको आज हिंदी साहित्य के बारे में बताएंगे कि क्या क्या मनोज आईएएस क्लास में क्या क्या आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हिंदी साहित्य में। तो हिंदी साहित्य में आपको आज जो है जो एक क्लास है आपकी, इसमें आपको व्याख्या जो कि क्लास में आता है, व्याख्या पेपर में आता है, दूसरा गद्य, तीसरा नाटक, कहानी, उपन्यास, इनसे समीक्षात्मक प्रश्न जो आते हैं, समीक्षात्मक प्रश्न इनके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है आपका जो व्याख्या का प्रकरण है, इनमें कौन कौन से कवि शामिल हैं और इन व्याख्या के अतिरिक्त इन कवियों से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो इसकी भी व्याख्या हम इस पर करेंगे, इसके बारे में भी कुछ बताएंगे। तो आपको बता दें कि जो आपका ये पाठ्यक्रम है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में कॉमन जो है क्वेश्चन आते हैं वह है आपके पाठ्यक्रम में, वह है आपका संत साहित्य, संत साहित्य प्रायः भक्ति काल में है, इसमें है भक्ति काल में है, भक्ति काल का जो पहला काल है उसी को क्या कहा जाता है, संत साहित्य कहा जाता है। संत साहित्य से दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, संत साहित्य में 2013 में एक प्रश्न आया था यूपीएससी में, मेंस में, कि संत साहित्य का महत्व बताइए या संत साहित्य की विशेषता या संत साहित्य की प्रवृत्तियां। तो संत साहित्य है क्या पहले उसके बारे में बताएंगे। तो आपको बता दें संत साहित्य जो है, संत साहित्य में जो प्रमुख कवि हैं और इसकी क्या परिभाषा है। तो संत साहित्य निर्गुण काव्यधारा के कवियों को ही प्रायः संत कहा गया है, जिसमें कवि नानक, दादू, दयाल और मलूकदास शामिल हैं। और इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वह ये यथार्थता पर विश्वास करते हैं। प्रायः इनका संत साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संत जो है आंखों देखी पर विश्वास करते हैं। किस पे करते हैं? आंखों देखी पर विश्वास करते हैं, लेखनी पर विश्वास नहीं करते, लेखनी पर विश्वास नहीं करते। यह इस काल की सबसे बड़ी विशेषता रही है संत साहित्य की। और संत साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वह इस प्रकार से हैं। संत साहित्य की पहली प्रवृत्ति है, इसमें विद्रोह का स्वरूप दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? विद्रोह दिखाई देता है, विद्रोह। क्या दिखाई देता है? विद्रोह दिखाई देता है। तो संत साहित्य के जितने भी कवि हैं इनमें प्राय विद्रोही स्वरूप दिखाई देता है। जैसे कबीर को ही ले लीजिए, कबीर जो है जात पात का विरोध करते हैं, और जाति पात का विरोध के अतिरिक्त इनमें सबसे बड़ी सकारात्मकता यह है कि मूर्तिवाद का भी खंडन इन्होंने किया है। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, तापर मुल्ला बाग थे बहरा हुआ पूरा। तो कंकर पत्थर जोड़ करके मंदिर बना लेने पर क्या कोई मुल्ला अर्थात मुस्लिम जब ऊपर जा करके बाग देता है, अजान करता है, तो क्या इसके करने से ईश्वर तक उसकी बात पहुंच जाती है? क्या ईश्वर बहरा है? तो उसी तरह उन्होंने हिंदुओं के बारे में भी कटाक्ष किया है। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से हर अर्थात भगवान मिल सकता है तो मैं पहाड़ पूजूं, मुझे बड़ा भगवान मिल जाए। घर की चकिया कौन पूजे, जाकर पीसा खाए। इसके अतिरिक्त गुरु का महत्व इनमें बताया गया है। दूसरा है गुरु, गुरु का महत्व इसमें है संत साहित्य में। गुरु का महत्व, गुरु क्या है? गुरु एक ऐसा माध्यम है
जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। और गुरु के बिना यह संसार क्या है, अधूरा है, ज्ञान अधूरा है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा है। उनकी इन पंक्तियों से यह पता चलता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो क्या गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बता रहा है? अगर वो मार्ग बता रहा है तो निश्चित रूप से ईश्वर से बड़ा है, अर्थात भगवान बड़ा है। जात पात का विरोध इसमें किया गया। जात तीसरी इसकी विशेषता रही है, वह क्या है? जात पात का विरोध। जात पात का विरोध है, जात पात का विरोध दिखाई देता है कबीर की रचनाओं में। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म मनुष्य योनि में हुआ है वह ईश्वर की संतान है, न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा है। एक ही मल एक ही मूत्र एक ही है गुदा, तू काहे को ब्राह्मण हम काहे को सुधा। उन्होंने कहते हैं न तो कोई ब्राह्मण है न कोई शुद्ध है, क्योंकि एक ही मल है, एक ही मूत्र है, एक ही रक्त है, एक ही वाणी है। और अगर सभी सब कुछ है तो तुम किस लिए हे मनुष्य, तुम किस लिए ब्राह्मण हो और मैं किस लिए शूद्र हूं? इस तरह की प्रवृत्ति इस काल में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त संत साहित्य से कुछ प्रश्न भी पूछे गए थे और आया भी है प्रश्न कि इसमें जो प्रश्न है वह पूछा था कि संत साहित्य की विशेषता और संत साहित्य के महत्व, संत साहित्य का महत्व क्या है। एक प्रश्न पूछा था कि संत साहित्य पर संत साहित्य का अवधि भाषा में क्या योगदान रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं जितने भी संत कवि हैं वो प्रायः एक क्षेत्र के नहीं रहे हैं। जैसे आप गुरु नानक को देख लीजिए तो पंजाब के हैं, मलुकदास को देख लीजिए, कबीर को देखिए वाराणसी से हैं, नामदेव को देखिए दक्षिण भारत से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तुकाराम हैं। ऐसे विद्वान हैं जो अलग अलग क्षेत्रों को होकर के भी अवधि जैसी भाषा को लोक भाषा के रूप में पिरोते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राय दोहा छंद का प्रयोग किया, यह भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। भाषा को के रूप में इन्होंने अवधि को प्रयोग किया। संत साहित्य की अगली जो विशेषता है वह निर्गुण ब्रह्म है। क्या है निर्गुण ब्रह्म? इसकी चौथी विशेषता है वह क्या है? निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ब्रह्म क्या है? निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। पाणी ही कबीरदास जी कहते हैं पाणी ही तो हिम भया हिमते गया विलाय, जो कुछ था सोई भया कुछ कहा न जाए। कहा कि पानी से ही बर्फ बनता है, बर्फ से ही पानी बनता है, और जो कुछ था सोई भया कुछ कहा न जाए, और जो था वही अब हो गया, अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कबीरदास की यह सबसे बड़ी विशेषता रही है कि संत साहित्य में निर्गुण ब्रह्म का प्रयोग किया गया है। निर्गुण ब्रह्म वह ब्रह्म है जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है और न ही कोई स्वरूप है, फिर भी वह प्रत्येक कार्यों को करता है। पद बिनु चले सुने बिनु काना, मतलब पद के बिना सुनता है, पद के बिना चलता है, कान के बिना सुनता है, और कर बिनु कर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, और संपूर्ण कार्यों को वह कर बैठता है। तो यह निश्चित रूप से संत साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है। छंद एवं भाषा, मैंने बताया कि छंद इसमें गेय पदों का, या तो इसमें जो छंद है छंद इसकी और एवं भाषा अगर बात करें संत साहित्य की भाषा, तो संत
संत साहित्य में जो छंद है विशेष रूप से या तो गेय पदों का प्रयोग किया गया है, गेय पद, या तो दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग किया गया है। और भाषा इनकी तो अवधी और पंजाबी और इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं का, असम के भी कुछ कवि थे, इन भाषाओं का असर इनका इस साहित्य पर पड़ा है। कबीरदास को ही ले लीजिए, कबीरदास की भाषा को लोगों ने, विद्वान कई विद्वानों ने सदुकड़ी, आचार्य कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी कह रहे हैं, तो कोई उनकी भाषा को मिर्जापुरी कह रहा है, कोई पंचमेल कह रहा है, कोई खिचड़ी कह रहा है। ये संत साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। आपको बता दें संत साहित्य से प्रत्येक वर्ष कोई न कोई प्रश्न यूपीएससी के मेंस में आया है। जैसा कि मैंने बताया कि एक बार संत साहित्य से क्वेश्चन आया था कि संत साहित्य की विशेषता बताइए, संत साहित्य का महत्व बताइए। आप संत साहित्य का अगर महत्व पूछता है तो भी यही बताना है, विशेषता पूछता है उसकी विशेषता भी है, और संत साहित्य का हिंदी के साहित्य में क्या योगदान रहा है, संत साहित्य में सुधार की भावना भी देखने को मिलती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है संत साहित्य। आपको इतना ही प्रश्नों को, इतना ही इसके उत्तर को, इसको डिक्टेट करके थोड़ा थोड़ा लिख देना है और यह आपका प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि इसको आपको लिखना केवल मात्र 150 शब्दों में। यूपीएससी में लिखना बहुत कठिन नहीं होता है, मात्र 10 लाइन लिखना है आपको, 150 शब्द हो जाएंगे। आपको दोहों का उदाहरण देना है और जो भी पद आपको पता है तुलनात्मक अध्ययन करना है, उदाहरण बताना है, इस तरह से इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और बढ़िया से कौन कौन से प्रश्न आए हैं और उन प्रश्नों का किस किस तरह से उत्तर लिखा जाएगा उसकी चर्चा भी हम करेंगे। ओके दोस्तों, तो अब फिर अगली क्लास में हमारी आपकी भेंट होगी। नमस्कार।